जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। टुडेज टॉपिक इज कॉनिक सेक्शन। व्हाट इज कॉनिक सेक्शन, क्या है कॉनिक सेक्शन? देखिए, ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के इस वाले पॉइंट से यदि हम एक लाइन को मूव कराएं, जैसे ये एक्सिस है और इससे हम ऐसे मूव कराएं, इसे इस तरीके से मूव कराएं, तो क्या बनेगा? ये कोण, जो आपका कोण है, ऊपर एक कॉनिक सेक्शन हो गया, नीचे एक कॉनिक सेक्शन हो गया। अगर हम ऐसे मूव कराएं, इस तरीके से करके ऐसे मूव कराएं, इसे हम देखिए इस तरीके से मूव कराएं, तो ये जो शेप बनाएगा दैट इज द कॉनिक सेक्शन। ये जो लाइन है ए बी लाइन आपकी क्या कहलाएगी? एक्सिस। और ये वाला जो कोण है, ये वाले जो कोण बन रहे हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स। जो ये लाइन मूव कर रही है, इसे कहते हैं जनरेटर। ये ऐसे मूव कर रहा है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये जो जनरेटर है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं वर्टेक्स एंगल। ये देखिए, इसके और इसके बीच का जो एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल हो गया। नीचे वाला पोर्शन कहलाता है लोअर नेक और ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है अपर नेक। ये आपका एंगल हो गया, ये आपका एक प्लेन है। अब ये जो प्लेन है, जब ये इस तरीके से आपका सेक्शन बनेगा, तो इसमें एक प्लेन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हम उस को जो है कट करते हैं, और किस पोजीशन पे क्या बनता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, यदि ये प्लेन जो है इस वर्टेक्स से पास कर रहा, तो क्या होगा? सेक्शन ऑफ द डबल नेप, ये पूरा डबल नेप हो गया आपका, अपर नेप और लोअर नेप। राइट सर्कुलर कोन बाई ए प्लेन, ये प्लेन जो है इस डबल नेप को कट कर रहा। किस तरीके से कट कर रहा? नंबर वन, पहला पॉइंट, दो केस बनेंगे इसमें, कि ये जो प्लेन है वर्टेक्स, यदि ये प्लेन वर्टेक्स से पास करेगा तो क्या होगा, और यदि ये प्लेन वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा यहां पर। नंबर वन, ये मैंने बताया आपको वर्टेक्स एंगल, और ये जो अल्फा है, ये अल्फा जो है इस प्लेन के, ये जो प्लेन है, प्लेन का एक्सिस ये हो गया, ये इस जनरेटर से जो एंगल बना रहा है उसी पे डिपेंड करते हैं कॉनिक सेक्शन। नंबर वन, यदि ये अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू थीटा से तो बड़ी है, देखिए अल्फा ये है और ये केस क्या बन रहा है यहाँ पे, ये जो प्लेन है ये वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो ये जो अल्फा की वैल्यू है थीटा से तो बड़ी है, बट 90 या 90 से छोटी है, तो क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। दूसरा केस, यदि ये थीटा जो है 90 डिग्री हो, तो क्या बनेगा? पैराबोला। और यदि ये अल्फा जो है जीरो से तो बड़ा है लेकिन थीटा से छोटा है, अल्फा की वैल्यू जीरो से बड़ी, थीटा से छोटी, हाइपरबोला। अल्फा की वैल्यू थीटा से बड़ी और 90 से छोटी, तो पॉइंट होगा, और 90 होगा थीटा एंगल, तो वो होगा पैराबोला। फिर से समझिए, ये जो प्लेन है, ये वर्टेक्स से पॉइंट से पास कर रहा है, ये पास थ्रू द वर्टेक्स, कौन के वर्टेक्स से पास कर रहा, तो ये जो अल्फा है जीरो से बड़ा और थीटा से छोटा, थीटा ये कौन सा है? एक्सिस से जो जनरेटर एंगल बना रहा है, हाइपरबोला। और अल्फा अगर थीटा से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो पॉइंट हो जाएगा, और 90 के बराबर होगा तो पैराबोला। सेकंड केस में आएगी, सेकंड केस में क्या कहता है? ये जो प्लेन है ये डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स, अब ये वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा, तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि ये अल्फा, ये जो अल्फा, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल बना के दे रखा है, ये जो है इस एक्सिस से एंगल बना रहा, यदि ये अल्फा 90 डिग्री होगा तो बनेगा सर्कल, यदि अल्फा जो है थीटा से बड़ा बट 90 से छोटा है, जो ये है थीटा से बड़ा और 90 से छोटा है, तो बनेगा इलिप्स,
और अल्फा और थीटा दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा तो बनेगा पैराबोला, और यदि अल्फा जो है जीरो से बड़ा बट थीटा से छोटा तो बनेगा हाइपरबोला। तो ये थे आपके कुछ एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम किस तरीके से कट कर रहे हैं। ये जो प्लेन है ये दो तरीके से पास कर रहा है, या तो वर्टेक्स से पास कर रहा या फिर वर्टेक्स से ऊपर पास कर रहा। प्लीज मेक इट अप। नाउ ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है, अब हम उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शन क्या है। ए कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे, एक पॉइंट प्लेन में इस तरीके से मूव करता है दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कि जो मूव कर रहा पॉइंट उसकी जो डिस्टेंस है एक कॉन्स्टेंट पॉइंट से एफ, जिसे हमने नाम एफ दिया है यहां पर, ऑलवेज बियर ए कॉन्स्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लाइन और बीइंग इन ए प्लेन। पॉइंट पी इस तरीके से मूव करे एक प्लेन में कि कॉन्स्टेंट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से जो उसकी डिस्टेंस है, यहां से हमने पी से ये डिस्टेंस नाप दिया और यहां से हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो पी एफ और पी एम का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट हो, इस तरीके से मूव करता है यदि कोई पॉइंट प्लेन में, तो उसे हम कहते हैं कॉनिक सेक्शन। जो पी है ये मूविंग पॉइंट हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया आपका, ये आपकी फिक्स्ड लाइन होगी, तो इससे तो हम कहते हैं फोकस। जो कॉन्स्टेंट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं फोकस, और जो ये कॉन्स्टेंट लाइन होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं। अब देखिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है। नंबर वन फोकस, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। ये जो कॉन्स्टेंट पॉइंट होता है फिक्स्ड होता है जो पॉइंट उसे हम कहते हैं फोकस, और फोकस को हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, एच से भी डिनोट कर सकते हैं, एज ऑलवेज। नंबर टू डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी, जो इनका रेशियो होता है पी एफ अपॉन पी एम उसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और उसे हम ई से डिनोट करते हैं। एक्सिस, ध्यान से सुनिए, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, एक ऐसी लाइन जो एफ से तो पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो लाइन यदि कोई लाइन यहां से पास करे और इस पर परपेंडिकुलर हो, इस पर डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस। वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड एक्सिस, कॉनिक सेक्शन और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। सेंटर, द पॉइंट विच बाइसेक्ट द एवरी कोण, सेंटर क्या है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट द एवरी कोण ऑफ कॉनिक पासिंग थ्रू इट्स, जो वह कोण जो उस कॉनिक के द्वारा बाइसेक्ट की जाती है उसका जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर। लेटस रेक्टम इज द कोण पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो कॉनिक सेक्शन है उसका जो फोकस है एक ऐसी कोण जो फोकस से तो पास करे और परपेंडिकुलर किस पे है, एक्सिस पर, जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। अभी मैंने आपको बताया कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, पी एफ अपॉन पी एन, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। अब इसके चार केस बनते हैं। नंबर वन, यदि ई की वैल्यू जीरो हो जाए, ई की वैल्यू जीरो कब होगी, यदि ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ये इनफाइनाइट पर हो,
डायरेक्ट्रिक्स लाइन इनफाइनाइट पर हो और जो पी है वो मूव कर ले, ये जो पी है ये कांस्टेंट डिस्टेंस से मूव करेगा और जो इसकी जो कांस्टेंट लाइन है वो इनफाइनाइट पे हो, मींस पी एम की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो और इस तरीके का जो कॉनिक सेक्शन होगा वो होगा सर्कल। यदि पी एफ जो पी एफ है और पी एम है दोनों आपस में इक्वल हो तो वो शेप बनाएगा पैराबोला की। यदि पी एफ आपका पी एम से छोटा हो या पी एम जो है आपका पी एफ से बड़ा हो तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन वन आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड द इलिप्स। और यदि ये आपका इससे बड़ा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरबोला। फिर से समझिए, पीएम इनफाइनाइट सर्कल, पीएम और पीएफ दोनों बराबर हो जाए तो पैराबोला, ये वैल्यू इससे छोटी हो जाए तो इलिप्स और ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाए तो हाइपरबोला। नाउ हमने कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ लिया, उसकी एनालिटिकल या ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, अब हम उसकी जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन, मान लिया ये एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और फोकस जो है इसके कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा है, और ये जो लाइन है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाई पी एफ अपॉन ई एम सी इज इक्वल टू ई हो गया, तो पी एफ इज इक्वल टू ई पी एम, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक जनरल इक्वेशन निकल के आएगी जिसे हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एफ प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां से जो जनरल इक्वेशन निकल के आएगी, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा उसे ए मान लेंगे स्मॉल ए, एक्स वाई का जो कोफिशियंट है टू एच रख देंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशियंट को बी, जो भी कोफिशियंट इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा एक्स के कोफिशियंट टू जी एफ, वाई का कोफिशियंट टू एफ और कॉन्स्टेंट सी, तो ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। अब ये डिफरेंट शेप बनाती है, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन होती है। नंबर वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स वाई का कोफिशियंट टू एच, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट टू वो सॉरी बी हो गया, एक्स का कोफिशियंट टू जी हो गया, वाई का कोफिशियंट टू एफ और कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा मतलब इसे एक नाम दे दिया हमने इसको, क्या नाम दे दिया कि यदि ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन प्लस टू एफ जी एच, यहां से मिलेंगे ये सारे कोफिशियंट हैं इनके, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो ये जो जनरल इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी एक स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब ए बी सी माइनस टू एफ जी एच माइनस ए सॉरी प्लस ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगी। लेकिन अगर जीरो ना हो तब हम आगे देखेंगे, जीरो नहीं है ये, तो यदि ए ये कोफिशियंट और ये कोफिशियंट तो इक्वल हो जाए और इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या शो करेगा? सर्कल को। ये अगर जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइन, यदि जीरो नहीं होता तब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन से एच की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की, यदि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पैराबोला। ये जीरो नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यदि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी इलिप्स, ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला। यदि ए बराबर बी है और एच की वैल्यू जीरो तो सर्कल हो जाएगा, यदि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला। लेकिन
एक कंडीशन यहां पर आती है कि यदि h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab एंड a प्लस b इज 0, स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मान लिया ये -2 है और ये +2 है, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ये थी इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। प्लीज मेक अ नोट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द पैराबोला। ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line in a plane। यदि एक पॉइंट P है वो इस तरीके से मूव करता है प्लेन में कि कांस्टेंट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट लाइन से सेम हो, मींस यदि PF इज इक्वल टू PM हो तो उसे हम कहते हैं, जो पॉइंट पी इस तरीके से मूव करता है उसे हम कहते हैं पैराबोला। जैसे यहां से ले, हमने यहां से पॉइंट लिया, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक, फिर यहां से लिया, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक, इस पॉइंट को लिया, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक, इस पॉइंट को लिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया, तो इस तरीके से इन पॉइंटों का जो सेट बन के आएगा वो क्या बताएगा, पैराबोला, और उसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया। तो इधर ये ए है तो इधर ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो इस तरीके के शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। अब देखिए ये ओरिजिन है तो ये इधर कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी इक्वेशन दे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और इसका पॉइंट क्या हो गया ए जीरो, ये डिस्टेंस ए है तो ये होगी ए, लेकिन इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो अब हम बाय द डेफिनेशन क्या रिजल्ट निकल गया, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, P और F के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस ए प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर रूट, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन पे हम परपेंडिकुलर डाल दें, यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो कितना हो गया x प्लस a अपॉन अंडर रूट, क्या फॉर्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डालेंगे तो क्या लिखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, तो बाई इस से हमने ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स आ जाएगा। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ अब इसमें हम कुछ बातें करते हैं, जो डिस्टेंस पी और एफ के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, और ये कितनी होती है फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ कितना हो गया अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई माइनस ये हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एफ, तो इसके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस के फॉर्मूले से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक ऐसी कोण जिसके एंड पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करते हैं उसे हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट, और वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। Let P be any point on parabola y square is equal to 4ax, then a chord passing through P perpendicular to the axis of the parabola is called double ordinate। Double ordinate क्या हो गया, P और P dash जो P P dash जो है double ordinate होगी, और ये double ordinate जो है axis पे perpendicular हो, देखिए ये भी हो सकती है, ये भी double ordinate है, ये भी double ordinate है, तो ये जो है कहलाता है ये कोण होगी, और यदि ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से होकर जाता है तो उसे हम कहते हैं लैटस रेक्टम। द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, पहले हमने डबल ऑर्डिनेट क्या बताया, ऐसी कोण जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो तो उसे डबल ऑर्डिनेट कहते हैं।
जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो लेकिन फोकस से पास होती है तो उसे कहते हैं हम लैटिस रेक्टम। प्लीज मिलते हैं। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, यहां पर मैंने डायग्राम के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश की है। यदि हमारी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये शेप बनेगी, राइट साइड में ओपन होगा और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट फोकस के अपोजिट होगी, ये जो आपका वर्टेक्स है इसके इस साइड होगी। यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो ये शेप बनेगी, लेफ्ट साइड में ओपन होगा पैराबोला। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो अपवार्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा, और यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टेक्स क्या होगा इसके लिए 0 0, इसके लिए भी वर्टेक्स 0 0, इसके लिए भी वर्टेक्स 0 0, इसके लिए भी वर्टेक्स 0 0। फोकस क्या होगा इसका, फोकस हो जाएगा a0 -a0 0a और 0 -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखिए लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में ओपन हो रहा है तो लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा एच इज इक्वल टू माइनस ए, इधर डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड में एच इज इक्वल टू ए। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इस केस में, डाउनवर्ड वाई इज इक्वल टू माइनस ए और इसमें डायरेक्ट्रिक्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगी। इसकी इक्वेशन एक्सिस कौन सी है इसकी, ये एक्स एक्सिस है, इसकी एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या होगी y is equal to 0, इसकी इक्वेशन y is equal to 0, इसकी इक्वेशन क्या है एक्सिस की y, तो x is equal to 0 और इसकी भी x is equal to 0। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होगा 4a 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 4a। फोकल डिस्टेंस की बात करें तो a plus x a minus x a plus y और a minus y। तो ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। प्लीज मेक नोट।